देवाधिदेव महादेव का निर्गुण निराकार रूप है ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव ने भक्तों की इच्छा पर जन कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण किया था। ज्योतिर्लिंग में शिव और शिवा संयुक्त रूप से साक्षात निवास करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में द्वादश ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं शिव के चमत्कारी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। तमिलनाडु के रामनाथपुरम स्थित रामेश्वरम के लिए कहा जाता है कि जैसे ही उत्तर में काशी का महत्व है, वैसे ही दक्षिण में रामेश्वरम का है। दोस्तों, ये रामेश्वरम मंदिर का ईस्ट गेट है। इसके बिल्कुल ठीक सामने समुद्र है। लोगों की मान्यता है कि पहले समुद्र में नहाएंगे, उसके बाद अंदर जो है 22 कुंड है, फिर 22 कुंड में आपको स्नान कराया जाएगा, तब आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, श्रद्धालु जो हैं नंगे पैर अपने होटल से सब जा रहे हैं और स्नान करने के बाद वो दर्शन करेंगे। मंदिर के आसपास ही जितने भी दर्शनीय स्थल हैं वो सब लिखे हुए हैं, एक लिस्ट बना के यहाँ पे। रामर पैर जो है, लक्ष्मण तीर्थ, धनुषकोड़ी, सारी चीज़ें, मतलब जो मैक्सिमम जो यहाँ से दूरी है वो धनुषकोड़ी की है 25 किलोमीटर, बाकी सभी आसपास है। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ है। सेतुबंध रामेश्वरम, यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में समुद्र के किनारे स्थापित है। श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए देवाधिदेव की आराधना की थी और इसी जगह समुद्र के किनारे बालू से शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन किया था। कहते हैं शिवलिंग से साक्षात भोले भंडारी प्रकट हुए। हाँ, मान्यता है कि आप पहले मंदिर दर्शन से पहले आप स्नान करेंगे। ये स्नान करने का एक तरीके से पूरा कुंड बनाया हुआ है जहाँ आप समुद्र में स्नान करेंगे। तो कुंड कहना इसको गलत होगा, कुंड तो छोटा है, लेकिन ये देखिए यहाँ सभी लोग, सभी श्रद्धालु स्नान करते हैं पहले। और रामेश्वरम जो है एक शंख के आकार का द्वीप है जिसपे ये पूरी मंदिर और बाकी चीज़ें हैं। तो स्नान करेंगे हम अभी समुद्र में, फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ से 22 कुंडों की ओर। यहाँ पूजा और बाकी सारी जो पूजा होती है उनका रेट लिस्ट लिखी हुई है कि आप तिल तर्पण करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं, सब शांति है, नवग्रह शांति है, सारी पूजा भी यहाँ पर हो रही है। Thank you.
दोस्तों समुद्र स्नान के बाद अब हम लोग चल दिए हैं 22 कुंड की ओर, जहाँ 22 कुंड में हमें स्नान कराया जाएगा। ये समुद्र के बिल्कुल पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये मंदिर का उत्तरी हिस्सा है, ये मंदिर के अंदर यहाँ कुंड है। उनके लिए 25 रुपए की हमें यहाँ टिकट कटवानी पड़ेगी, ये नॉर्मल मंदिर के चार्जेस हैं। बाकी बाहर आपको लोग मिलेंगे जो 200-250 रुपए मांगेंगे। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ लाइन नहीं है, खाली है, तो हम 25 रुपए की टिकट कटाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, मंदिर परिसर के अंदर 22 कुएं भी हैं जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। कहा जाता है कि इन कुओं के जल के स्नान से सभी पाप मिट जाते हैं। इन कुओं में मीठा पानी है जिसे पिया भी जा सकता है। मान्यता है कि इन कुओं को श्री राम ने अमोघ बाणों से बनाया था। रामेश्वरम में अग्नि तीर्थम भी है। मान्यता है कि उसमें डुबकी लगाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। बाईस कुंड में स्नान करने के बाद अब हम बाहर आ चुके हैं और इनसे ठंड लग रही है इस वक्त। हमारी चप्पल नहीं मिल रही है, और हमारी चप्पल नहीं मिल रही है क्योंकि वो दूसरे गेट के पास है। तो यहाँ आपको गेट की कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए जब भी आप आए तो ध्यान रखिएगा कौन सी गेट से एंट्री लिया। शास्त्रों के अनुसार श्री सेतु बंद रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से साधक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं सहज रूप से पूरी हो जाती हैं। मंदिर के लिए पौराणिक मान्यता है कि जब प्रभु राम लंका विजय के बाद माता सीता के साथ लौटे तो ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने शिव उपासना का संकल्प लिया। शिवलिंग स्थापना के लिए राम ने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने की आज्ञा दी। प्रभु की आज्ञा से गए हनुमान को लौटने में देरी हुई तो माँ सीता ने समुद्र किनारे रेत से शिवलिंग बना दिया, इसे रामनाथ कहा गया। द्वारा लाए गए शिवलिंग को पहले स्थापित शिवलिंग के पास ही स्थापित किया गया, इसे हनुमदीश्वर कहा जाता है। मंदिर में यहां आज दोनों शिवलिंग पूजे जाते हैं।